साथियों आदाब। ये आज हम पढ़ेंगे वाहिद जमा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ तस्वीर हैं, जैसे एक किताब है तो किताब और एक से ज्यादा है तो किताबें, पेंसिल एक है तो पेंसिल, एक से ज्यादा है तो पेंसिल है। इसके बाद नीचे यहाँ पे तस्वीर के नीचे कुछ तहरीर हुआ हुआ, इन दोनों खाकों में देखिए कई तस्वीरों पर गौर कीजिए। अलिफ के खाने में एक किताब और एक पेंसिल की तस्वीर दी गई है, ये अलिफ वाला बॉक्स है। और बाय के खाने में कई किताब और पेंसिलों की तस्वीर है, क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं कि हर चीज की कोई ना कोई तादाद होती है। तादाद में जब कोई एक चीज हो तो उसे वाहिद कहते हैं, सिंगुलर। अगर खाली एक है तो, जैसे पेंसिल एक है, किताब एक है, तो ये आएगी सिंगुलर के अंदर। इसके जस्ट बाद में देखते हैं यहाँ पे, और जब एक से ज्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं, यानी एक से ज्यादा, 2, 2 हजार, 2 लाख, 2 करोड़ कितनी भी हो। वाइस से जमा बनाते वक्त लफ्ज की शक्ल बदल जाती है। देखिए यहाँ पे घोड़ा ऐसे लिखा हुआ है लिफ के साथ, यहाँ पे ये के साथ लिखा हुआ है, घोड़ा घोड़े, दायरा दायरे, लड़का लड़के, चमचा चमचे। ये भी जहन में रखें कि वाइस से जमा बनाते वक्त जुमले की शक्ल भी बदल जाती है, जैसे जुमले की भी शक्ल बदल जाएगी। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़े दौड़ रहा है नहीं बोलेंगे, घोड़े दौड़ रहे हैं। लड़का खेल रहा है तो यहाँ पे हम बोलेंगे लड़के खेल रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है बनाने का तरीका देखिए, ये भी याद रखे वाहिद लफ्ज के आखिर में अगर या हो तो उसकी जमा बनाने में अलिफ और नून गुन्ना लगाया जाता है, जैसे लड़का, लड़की, लड़कियां, कली, कलियां, खिड़की, खिड़कियां, गली, गलियां। अलिफ और नून गुन्ना के अलावा वाव लगाकर भी जमा बनाई जाती है, जैसे लोग, लोगों, घर, घरों। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम कुछ और, ठीक है। यहाँ पे हमजा ये और नून गुन्ना लगाकर भी वाइस से जमा हो जाए, जैसे दवा दवाई, दुआ दुआएं, घटा घटाएं, सदा सदाएं। इसके जस्ट नीचे कहीं या और नून गुन्ना लगाकर भी जमा बनाते हैं, जैसे शाम शामे, रात राते, राह राहे, खबर खबरें। ऊपर की मिसालों में वाइस से जमा बनाने का ये उर्दू कायदा है। इसके अलावा उर्दू में फारसी अरबी कायदे भी वाइस से जमा बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फारसी कायदे के मुताबिक ये अल्फाज देखिए, ख्याल ख्यालात, सवाल सवालात, एहसास एहसासात। अब अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद से जमा बनाने की मिसालें देखिए, किस्म इकसाम, शेर अशआर। तो देखा आपने, इसके अंदर जो है आज मैंने आपको ये तरीका बताया है कि आप किस तरह वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सकते हैं। अब अगले पेज पे थोड़ी सी चंद और मिसालें, इनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हाकिम हुक्काम, जरिया जराए, शायर शौरा, अमीर उम्रा, रिसाला रसाइल। दर्ज जेल में वाहिद और जमा की शनाख्त की थी। अब आपको शनाख्त करनी है, पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाहिद है और कौन सा जमा। जैसे जवाबात, तो ये पता ही लग रहा है भाई जमा है। साइल, ये वाहिद है। तजर्बा, वाहिद है। ख्यालात, जमा है। आईने, जमा है। अदाएं, जमा है। गुरबा, जमा है। बच्चा, वाहिद है। फूलों, जमा है। तो ये वाहिद और जमा की पहचान है कि किस तरह से इसे बनाते हैं और किस तरह से इसे लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाहिद से जमा कैसे बनाने और जमा से वाहिद कैसे बनाने। अगली क्लास में हम जिन्स जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, मेल और फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उर्दू को फ़र्क मिले, पढ़ने वालों का शौक बढ़े और हमारे चैनल को सपोर्ट मिले। शुक्रिया।